और वो हर जगह जो वो पैसे लोगों को बांट रहे हैं, जो कि राजनीति में लोकतंत्र में इस चीज़ को कोई जगह नहीं है, और वो हर जगह जो वो पैसे लोगों को बांट रहे हैं, जो कि राजनीति में लोकतंत्र में इस चीज़ को कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है या आम जन का कि भाजपा सरकार कहती है कि मेरी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। उनका प्रदेश का अध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष जो है, उसके कारनामों से ये सिद्ध होता है कि सरकार में बोलने को कुछ है और करने उनके जो कार्यकर्ता हैं कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो झूठ बोलना और देश की जनता को गुमराह करने का इस पार्टी का और सरकार का दायित्व बना हुआ है, लेकिन आम जन को जो है इससे पीड़ा होती है। और इस तरह से और भी और लोग जो हैं वो इन क्षेत्रों में जो अपने आप को लूट का सरगना मानते हैं। और भी आजकल राजनीति में हिमाचल में एक ट्रेंड चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भेड़ की खाल उड़ के भेड़िए बने हुए हैं और हर क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में आके दानवीर बने हुए हैं। मेरा यह कहना है कि सरकार उनकी भी जांच कराए कि उनके सोर्स कैसे हैं और उन सोर्सों को वो किस तरह मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर जीरो टॉलरेंस है तो उनके सोर्स को कैसे किस तरह मोबिलाइज कर रहे हैं, और वो हर जगह जो वो पैसे लोगों को बांट रहे हैं, जो कि राजनीति में लोकतंत्र में इस चीज़ को कोई जगह नहीं है। अगर उन्होंने राजनीति करनी है तो राजनीति के पखाने में इसमें राजनीति के दौर में सीधे आएँ, और इस तरह चोर दरवाजे से कहीं से पैसा इकट्ठा करके कहीं जाके बांट देना और राजनीति करना, ये भी लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है। और आने वाले कल जो है वो देश की जो प्रदेश के लोग हैं इससे भी चिंतित हैं कि ये लोगों को इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो ये माना जाता था कि पार्टी चिन्ह में जो है वो MLA और ना पार्लियामेंट में और विधानसभा में चुनाव हों, हमने छोटे लेवल पर जो है वो गाँव लेवल में या घर लेवल में जो है लोगों को बांटना नहीं है। लेकिन परिस्थिति बदलती गई है और आज ये आज के दौर में जिस तरह इन निकाय के चुनावों को होने के बाद या पंचायतों के चुनावों को होने के बाद झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं और किस विचारधारा के लोग जीते हैं किसके नहीं जीते हैं और उनकी अदला बदली खरीद फरोख्त होती है, तो ये मैं स्वागत करता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि सरकार और आगे नीचे जो डायरेक्ट चुनाव है जहाँ प्रधान उपप्रधान का, उसको भी पार्टी चिन्ह पर ले जाए और जो बाढ़ पंच का है उसको खुला छोड़े। आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और जो है वो सरकार को आईना दिखाएगी। या तो रखे साया अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रखे साया उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।